एमएओ कॉलेज यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका कयाम 8 जनवरी 1877 में अमल में आया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के 3 गेट थे जो आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जिनकी अपनी अहमियत और तारीख है, जिनमें विक्टोरिया गेट, फैज गेट और सैयद जहूर हुसैन गेट है। अगर सैयद जहूर हुसैन गेट की अहमियत और तारीख पर रोशनी डाली जाए तो सैयद जहूर हुसैन गेट 1876 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जनूबी सरहद की दीवार की मशरक की जानिब तामीर किया गया, जिसके लिए 1874 में मुरादाबाद के रईस सैयद जहूर हुसैन ने सर सैयद अहमद ख़ान को 700 रुपये का अतिया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बाउंड्री वॉल पर इनके नाम से गेट की तामीर के लिए दिया था। एक गेट तामीर किया गया था 1876 में, जो सैयद जहूर हुसैन जो रईस मुरादाबाद थे उनके नाम पर है, और उन्होंने 1874 में एक 700 रुपये का अतिया दिया था, जिसका रिकॉर्ड हमारे आर्काइव्स में मौजूद है। ये गेट जो है वो एमओ कॉलेज के मेन 3 जो गेट्स हैं, विक्टोरिया गेट, फैज गेट और जहूर गेट, ये 3 गेट हैं, उनमें से एक गेट है और इंतहाई खूबसूरत है, और आज भी इसको लोग जहूर गेट के नाम से जानते हैं। यकीनन गेट पर तारीख का पत्थर नसाब करने का मकसद नस्ब किए गए पत्थर गेट तारीख को महफूज और अगली नस्लों को गेट की तारीख और अहमियत बताना होगा। पत्थर पर नस्ब तारीख में रंग न होने से तारीख पढ़ने में नहीं आती। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती शाखाओं ने तारीख के साथ गेट को ढक दिया, लेकिन इस तारीखी गेट की बदहाली को देखकर लगता है मौजूदा एएमयू इंतज़ामिया ही इस गेट की तारीख और अहमियत भूल गया है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुल्क का वाहिद तालीमी इदारा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल तारीखी इमारत मौजूद है, लेकिन अगर तारीखी इमारत इसी तरह बदहाली का शिकार होंगी तो आने वाले वक्त में ना ही इमारत होंगी, ना ही तारीख होगी और ना ही अहमियत। यकीनन ये तारीखी सैयद जहूर हुसैन गेट भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तवज्जो का तलबगार है। ईटीवी भारत के लिए अलीगढ़ से सुहेल अहमद की ख़ास रिपोर्ट।